नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में, हूं आपके साथ बुशरा। खबरें जानेंगे विस्तार से। यूपी की बात कर रहे हैं जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोके जाने के बाद हंगामा शुरू हो चुका है और अखिलेश यादव ने इसके लिए सीधे राज्य की योगी सरकार को जिम्मेदार बताया। वहीं इस घटना के बाद से सभा के साथ ही बीएसपी कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। अपने नेता को रोके जाने पर खासकर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में एसपी कार्यकर्ता अमित शाह का विरोध कर सकते हैं। शाह आज कुंभ मेले में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोके जाने पर सपा के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल राम नाईक से मिलकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। और फिर मुख्यमंत्री की भाषा सोचिए कि अराजकता फैलाने जा रहे थे इलाहाबाद में, हिंसा फैलाने जा रहे थे और समय समय पर सदन में भी उनकी भाषा सुनी है हमारे माननीय सदस्यों ने। उनकी भाषा है ठोकने वाली। अगर कोई पसंद नहीं है तो उसका इनकाउंटर कर दो। ये भाषा और ये व्यवहार है सरकार का। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, जैसा कि आज अमित शाह आने वाले हैं और कल जो हंगामा मचा था उसमें अखिलेश यादव को रोका गया था, जिसके बाद सपा और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया, तो आज क्या बदले की राजनीति के तहत क्या वो अमित शाह को रोक सकते हैं या प्रदर्शन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का जो एक डेढ़ महीने में प्रयागराज दौरा होता रहा है, उस दौरान भी सपा के कार्यकर्ताओं ने, सपा के नेताओं ने उनको काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया था और सब तो लाठीचार्ज से बहुत बड़ी घटना है। उससे सपा के जितने भी कार्यकर्ता है पूरी तरह से खुश और आक्रोशित है। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रयाग कुंभ में दौरा हो रहा है, उसको लेकर भी सपा कार्यकर्ता काले झंडे दिखा सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। शहर में पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया प्रशासन ने, किंतु उनके विरोध प्रदर्शन को प्रशासन ने पूरी तरह से साफ किया है कि आज जैसे योगी जी भी का भी आगमन हो रहा है, इसके सीएम भी आए, प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी का भी आगमन हो रहा है, तो भाजपा का जो मूल प्रमुखता से जो भी बड़े बड़े नेता है आज यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन कल की घटनाक्रम को जोड़ते हुए अगर देखा जाए तो सपा के जो आक्रोशित कार्यकर्ता है, जो आक्रोशित नेता है, आज विरोध प्रदर्शन कई जगह कर सकते हैं, किंतु प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। अमित शाह जी का आगमन जो पहले से ही अंदेशा है कि प्रदर्शन किया जा सकता है, हंगामा हो सकता है, तो सुरक्षा कितनी रखी गई है? जी, सुरक्षा की जगह का पूरी व्यवस्था की गई है। पूरे शहर में मिलिट्री लगाई गई है, पुलिस प्रशासन के अतिरिक्त जवान खड़े किए गए हैं, अतिरिक्त जो डीएसपी आज तक की ड्यूटी अलग अलग जोन पर लगाई गई है, जहाँ जहाँ चौराहों पर जहाँ उनका आगमन होना है। लेकिन आपको बता दें कि बमरौली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अमित शाह जी को सीधे हेलीकॉप्टर से अरल में स्थित डीपीएम कार्यालय के पास जो हेलीपैड बना है वहां पर उतारा जाएगा। अगर वो कार से आते या मार्ग से आते तो विरोध प्रदर्शन की संभावना ज्यादा पाई जाती, किंतु वहीं से क्रूज से संगम तट पर वो जाएंगे जी। और वहां पर संगम पर गंगा जी का पूजा अर्चना करने के बाद संगम में डुबकी भी लगाएंगे। तो जहां तक विरोध प्रदर्शन की मांग है सपा कार्यकर्ताओं की, पूरी मनता है उसकी, कल जो लाठीचार्ज हुआ है उसका जबरदस्त विरोध प्रदर्शन आज शहर में करने के लिए पूरी तरह से जगह जगह प्रदर्शन होने की संभावना पाई जाती है। क्योंकि काले झंडे कई बार योगी जी को दिखाए जा चुके हैं और कल की घटना थोड़ा सा खतरनाक की है। राघवेंद्र, दो दिन पहले प्रियंका गांधी का दौरा था, जोर शोर से ये दौरा रहा उनका और जोरदार स्वागत उनका कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, जवाबी दौरा अमित शाह का ये कहा जा रहा है, तो क्या वाकई में उस लेवल की तैयारियां अमित शाह के दौरे को लेकर नजर आ रही हैं? क्योंकि माना जा रहा है कि अमित शाह का भी स्वागत सत्कार बहुत अच्छे तरीके से उनके कार्यकर्ता करना चाहते हैं। जी जी, पूरी तरह से उनके स्वागत सत्कार की तैयारियां प्रशासन के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कर रखी है। लेकिन अमित शाह जी का आगमन जो उनका प्रोटोकॉल आया है, जो उनकी कार्य योजना बनी हुई है कि गंगा स्नान करने के बाद हनुमान जी का दर्शन और सरस्वती कूप का दर्शन करने के बाद अक्षय वट के बाद सीधे साधु संतों से मिलेंगे, तो साधु संतों से मिलने का जो एक मायने निकाला जा रहा है कि 17 फरवरी को जो स्वरूपानंद सरस्वती जी ने
अयोध्या में फूट की घोषणा किया है। अच्छा राघवेंद्र, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी थी जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था, आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था कि राज्य और केंद्र सरकार लेकर जो उन्हें रोका गया था, इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने कटाक्ष किया था, तो प्रयागराज जाने से क्यों रोका गया, इसका जवाब क्या मौजूदा सरकार दे पा रही है योगी आदित्यनाथ द्वारा या उन्हीं के सरकार में रहे नुमाइंदों द्वारा, किस तरीके का जवाब? जी जी, छात्रों का जो कार्यक्रम था उसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो एडवाइजरी कमेटी थी उसने पहले ही अखिलेश यादव जी को रोक दिया था कि आप इस छात्रों के कार्यक्रम में ना आए, क्योंकि छात्र वहां पर दो गुटों में है, एक समाजवादी सभा के छात्र है और एक एबीवीपी के छात्र है। अच्छा, सपा और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोला था कल और आज भी हम देख रहे हैं कुछ कुछ जगह तस्वीरें जहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर हंगामा मचाया जा रहा है, तो आगामी दिनों में बदले की राजनीति स्वरूप ही अगर कह लिया जाए तो क्या तैयारी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है? जी, राजनीति तो बदले की होती है, लेकिन कल का जो घटनाक्रम रहा है उसमें सपा और सपा के कार्यकर्ता आक्रोशित रहे हैं, आक्रोशित हो भी रहे हैं, इस मुद्दे को वो जगह जगह बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि विधानसभा में भी इस लाठीचार्ज की गूंज कई है, तो इस मुद्दे को लेकर, इस लाठीचार्ज को लेकर जहाँ योगी सरकार ने कहा कि अराजकता फैल जाती उनके आने पर, हिंसा फैल जाती छात्र कार्यक्रम में पहुंचते, तो इसलिए ऐसा जो है प्रशासन द्वारा रोका गया, किंतु कांग्रेस और बीएसपी के जो भी कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से आक्रोशित। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राघवेंद्र।